फरमाते माधरे खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ, नाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बैठे हैं। वो आपको पता है कुत्ता भौंका था हज़रत अबू बकर पे, हैं। अब मैं उस कुत्ते को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुत्ते तू जिन्ना मर्जी भौंक, कुत्ते तू जिन्ना अबू बकर ते जिन्ना मर्जी भौंक, अबू बकर कुरान च भी नाल, अबू बकर मज़ार च भी नाल, अबू बकर खाबा च भी नाल, अबू बकर हां अबू बकर हाँ जी भौंका था ना। मैंने उसको कहा तेरे भौंकने से क्या होता है, एक तरफ कुत्ता भौंके, एक तरफ अल्लाह कुरान में बोले सानियस नहीं इज हुमा फिल गार इज यकूल लिसाहिबी ला तहज़निन अल्लाह माना। ओए हम कुरान देखे कि कुत्ते का भौंकना देखिए हजरत है। हाँ जी तू भौंक के मर जाएगा कुत्ते। कितने कुत्ते आए जो अबू बकर के भौंकते भौंकते मर गए। अबू बकर आज भी साथ हैं, अबू बकर उस दिन भी साथ ही होंगे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौसे। हाँ जी हाँ तू जिंदाबाद। हाँ जी हाँ जिंदाबाद। तेरे भौंकने से क्या होता है, वहाँ मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मैंने सब का हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करे। हैं तेरे भौंकने से क्या होता है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह बस दुआ फरमाए, हालात बड़े सख्त बनते जा रहे हैं। अल्लाह हमें मसल के हक आले सुन्नत पे रखे, हमें हक चार यार वाला रखे, हमें अहल बैत का नौकर रखे, हमें सहाबा का वफादार रखे। पुत्र बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं। हाँ जी मैं आपसे कहूँगा अगर आपने पूछना देखना हो ना अबू बकर के आए तो फिर हजरत अली से पूछ लेना है, और अगर अली का पूछना हो तो फिर अबू बकर से पूछ लेना है। ये पता नहीं क्या फिल्में सुना रहे। जब हजरत जी कुरान ने फैसला कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, जब कुरान ने कह दिया रुहमाउ बैनहुम, ये हमें क्या स्टोरियाँ सुनाने चले हैं। ये किसी की स्टोरी ना सुनना पुत्र, कुरान ने फैसला कर दिया रुहमाउ बैनहुम। हम इनकी बातों को क्या जाने जी, कुरान ने फैसला कर दिया रुहमाउ बैनहुम। उस रुहमा में अबू बकर भी हैं, मौला अली भी हैं। सुभान अल्लाह। ना पुत्र बड़े फितने लगे हैं सर उठाने, हम नहीं मानते इनकी तहकीकों को। हमारे लिए गौसे आजम की तहकीक काफी है, हमारे लिए हजरत दाता साहब की तहकीक काफी है, हमारे लिए इमाम अहमद रजा खान की तहकीक काफी है, हमारे लिए मुहद्दिस आजम की तहकीक काफी है, हम नहीं मानते इनकी तहकीकों को। पुत्र बदल लेना, कोट बदल लेना, पग बदल लेना, चादर बदल लेना, गाड़ी बदल लेना, खुदा का वास्ता अकीदा कभी ना बदलना। अकीदा वही रखना जो हमारे बुजुर्गों वाला है, हम नहीं इनकी तहकीकों को मानते। इनकी तहकीकें भी जहन्नम में, ये भी जहन्नम में अल्लाह के फजल व करम से। हाँ जी पुत्र ये अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक उस्मान गनी मौला मुश्किल कुछ आ रहे हैं जी, मेरे महबूब के यार है जी, और हर यार एक से बढ़ के एक है। ये देखो ये हमारे बुजुर्गों ने ये माशाल्लाह ये लिखा है कि जब हुज़ूर नबी अलैहि सलाम मेराज पे तशरीफ़ ले गए ना, वो एक मकाम आया जिब्राहील अमीन अलैहि सलाम अर्ज़ करते महबूब बाल के बराबर भी आगे जाऊँगा तो पर जाऊँगा। जिब्राहील अमीन अलैहि सलाम जाएंगे, हुज़ूर नबी अलैहि सलाम तशरीफ़ लेंगे। अब यहाँ हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो जिब्राहील अमीन अलैहि सलाम थे, नहीं आगे जाए। अगर वहाँ होते ना अबू बकर हैं, अगर वहाँ होते ना अबू बकर, पता उन्होंने क्या अर्ज़ करना था। उन्होंने अर्ज़ करना था महबूब भावे छड़ जाऊंगा जाना ना लीजे है, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, नारा है हैदरी, हैदर 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 हैदर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर हैदर 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 हैदर, नारा तहकीक हक चार यार, नारा तहकीक हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद।